Hey guys, welcome to the Android Guide channel and आज के इस वीडियो में मैं आपको Lava Blaze X 5G को कंपेयर करने वाला हूँ Vivo T3X के साथ और बताने वाला हूँ कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए। सो गाइज, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले से बात करते हैं। तो लावा में आपको जो है वो 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है एंड वीवो में आपको 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले। दोनों में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। लावा में आपको 64+2 का रेयर कैमरा मिलता है एंड वीवो में आपको 50+2 का। एंड लावा में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है एंड वीवो में 8 मेगापिक्सल। जो चिपसेट है वो लावा में आपको मीडियाटेक का डिमेंसिटी 6300 मिलता है एंड वीवो में आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का। दोनों ही में जो 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिल जाएगा एंड लावा में आपको 8GB रैम एंड 128GB रोम मैक्सिमम मिलता है एंड सेम आपको वीवो में भी। एंड लावा में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है एंड वीवो में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। लावा में आपको 5000mAh का बैटरी मिलता है एंड वीवो में 6000mAh का। एंड लावा में 33W का फास्ट चार्जिंग मिलता है एंड वीवो में 44W। दोनों ही में आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा एंड लावा में आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है एंड वीवो में फ्रंट टच ओएस 14। डुअल बैंड वाईफाई आपको दोनों में मिलते हैं एंड ब्लूटूथ 5.2 जो है वो आपको लावा ब्लेज एक्स में मिलता है एंड वीवो T3X में आपको ब्लूटूथ 5.3 का। एंड दोनों ही में आपको 2 color ऑप्शन मिलते हैं एंड जो प्राइस है वो लावा ब्लेज एक्स 5G का प्राइस है 13,999 rupees एंड वीवो T3X का प्राइस है 13,499 rupees। सो गाइस, दोनों में जो है वो 500 rupees का प्राइस डिफरेंस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन अगर आप प्लान कर रहे हैं परचेस करने का तो यहाँ पे लावा ब्लेज एक्स 5G जो है वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो एमोलेड डिस्प्ले इस प्राइस सेगमेंट में मिलना बहुत ही जो है वो एक अच्छा वो माना जाता है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आईपीएस डिस्प्ले ही ज़्यादा मिलते हैं। तो एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाता है और एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ आपको इसमें बेटर कैमरा भी मिलता है। 64 मेगापिक्सल का आपको जो रेयर कैमरा एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। प्लस उसके साथ ही साथ आपको एक और बेनिफिट मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड का। यहाँ पे आपको कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह नहीं मिलते हैं और जो एक्स्ट्रा ऊपर से जो अपना OS जो लगाती हैं कंपनियाँ वो इसमें नहीं देखने को मिलता है। जो एंड्रॉइड प्रोवाइड किया है वही आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। तो इससे काफ़ी सीमलेस जो आपको परफॉर्मेंस फील होगा, उसमें कोई भी लैग वैग नहीं फील होगा। और यहाँ पे ये जो फ़ोन है इसका जो प्राइस है वो 500 rupees एक्सपेंसिव है इन कंपेयर टू वीवो T3X, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम फीचर जो है वो लावा ब्लेज एक्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी। सो गाइज, अगर आपको हेल्प हुआ इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कोई एक स्मार्टफोन परचेस करने में तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर जरूर दूंगा।